नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों इस टाइम पे मैं हूँ अपने कैंप में, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग हॉट मिक्स प्लांट के पास हैं। दोस्तों ये हमारा हॉट मिक्स प्लांट है लेनोव का, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दो दिन बाद दोस्तों यहाँ पे प्लांट आज चालू हो रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या दो दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी डेली, तो आज थोड़ा मौसम सा खुला है। तो आप लोग आज थोड़ा सा लोड वोड निकालने वाले हम DBM के। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखो डामर की गाड़ी खाली हो रही है, और आप लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं होगा डामर आता कैसे बल्क में और कैसे खाली होता है, तो वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों प्लांट कैसे चालू करा, आज बहुत मशक्कत हो रही है क्योंकि एग्रीगेट इतना आ गया यहाँ पे, तो सारा समेटना पड़ रहा है दोस्तों हमें, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों सामने प्लांट भी स्टार्ट किया है, और दोस्तों यहाँ पे देखो ये गाड़ी खाली हो रही है। दोस्तों ये बिटमैन का ब्रोजर है, और ये लगभग 28 टन का है। दोस्तों ये 14 टायर गाड़ी, और बड़ा साइज का इसमें जो इसका टैंक रहता है वो है 28 टन। दोस्तों इसके अंदर माल आता है। दोस्तों ये महिंद्रा के ब्लोजो है 37। ये देखो भाई ये यहाँ पे खाली हो रही है। दोस्तों इसमें क्या होता है, दोस्तों ये यहाँ पे एक फाइटर होता है, ये सामने देख रहे हैं ना, अभी ये फाइटर है यहाँ पर, और ऊपर से वो इसके वॉल खोलते जाओ, उसके बाद तो इस फाइटर के थ्रू ये पाइप से ये सारा माल जा रहा है ये बिटुमेन टैंक का। ये हमारे बिटुमेन टैंक है जो प्लांट के, ये एक बिटुमेन टैंक 45 टन का है। तो इस टाइप के दो हैं, 90 टन की कैपेसिटी हम लोग यहाँ पर खाली करवाते हैं बाकी। और ये जो है ये तो है आपके FO के जो फन्नस ऑयल रहता है उसके लिए है, आप इसमें LDO भी खाली कर सकते हैं, फन्नस ऑयल भी खाली कर सकते हैं। और देखो इसको खाली करने का तरीका दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप लोगों से बहुत कम लोग जानते होंगे। ये एक फाइटर होता है दोस्तों, ये फाइटर जो आप देख रहे हैं ना वही चलता का ऐसे, ये PTO शाफ्ट से चलता है, ये PTO शाफ्ट दोस्तों इसके अंदर लगी रहती है, ये अलग से भी लगवाया जाता है, और आप चाहें तो कंपनी अटैच भी ले सकते हैं। जो डंपर में दोस्तों PTO का जो गेयर लीवर होता है ना वही लीवर है दोस्तों, ये उसमें दोस्तों हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है, इसमें सिंपल सा इस टाइप की मोटर लगी रहती है जिससे डायरेक्ट शॉपर चलती है। इसमें दोस्तों यहाँ पे आग देख रहे हैं ना, अभी आग लगाई हुई है, वो तो इसके जो वॉल रहता है ना वॉल में आग लगानी पड़ती है, क्योंकि वॉल में का जो माल है ना जम जाता है ठंडा। क्या हुआ अभी 2-3 दिन पहले से बारिश हुई, तो बारिश में रास्ते भर में ये गाड़ियाँ आई तो थोड़ा माल ठंडा हो गया, ठंडा होने में दोस्तों इसके जो वॉल रहते हैं वालों को थोड़ा गर्म करना पड़ता है, तो फाइटर में थोड़ी आग लगानी पड़ती है। तो फाइटर तो अभी फ्री हो गया, वॉल को और फ्री कर रहे हैं, इससे माल आपका इजीली आ जाएगा। दोस्तों जब भी आप गाड़ी खाली करते हैं तो क्या होता है, इसका फाइटर आगे की तरफ रहता है, तो आगे की साइड में दोस्तों हल्की सी ये झुकी रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे पीछे का जितना ही माल है ना सब आगे आता जाए, ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। दोस्तों अभी देखो आप देख रहे होंगे ये थोड़ा आगे की साइड में थोड़ी झुकी है, तो जो पीछे का जो भी माल रहेगा सारा आगे आ जाएगा। और जब भी गाड़ी खाली करते हैं तो उस पर मैं देखो लकड़ी भी लगा रखी इन्होंने, यह देखो जो इसकी चिमनी होती है ना, चिमनी में दोस्तों लकड़ी वकड़ी लगा रखी है, आग लगा रखी है, जैसे यह कंटिन्यू दोस्तों चिमनी जलती रही तो नीचे जो तली का जो डामर रहता है तले का वो भी सारा गर्म होता रहता है साथ साथ में। दोस्तों जब भी डामर अपन खाली करते हैं ना तो दोस्तों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दोस्तों वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पाइप है ना जब आप इसको क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, अगर इसके अंदर डामर जमा हुआ रहा इस पाइप के अंदर तो दोस्तों अपन ज़बरदस्ती में फाइटर चलाएंगे तो ये पाइप ऐसा फाड़ देता ना, तो इतना गरम गरम डामर निकलता है, तो आप अगर पास में खड़े हैं ना आप इसके तो आपके ऊपर आएगा हाथ वहाँ पूरे जला देगा ये। इसलिए दोस्तों इस टाइम पर पहले तो दोस्तों आप अच्छे से इसका पाइप को गर्म कर लीजिए आग लगा के, जिससे पूरा फ्री हो जाएगा, उसके बाद ही दोस्तों इसको यूज़ करिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस केस इस टाइप के केस मैंने 2-3 देखे हैं, अपन जैसे माल नहीं आ रहा इसके पाइप में, कहीं जाम है और अपन ज़बरदस्ती फाइटर चला जा रहे हैं, वाल खोल दिया तो क्या वो माल इसके अंदर भर भर के फाइटर तो माल अंदर धकेलेगा, तो पाइप फाड़ देता, पाइप फटता तो जो वहाँ पे पास में खड़े हैं उन लोगों के ऊपर शरीर के ऊपर गिरता तो वो सब डेंजर हो जाता है काम। इस टाइप के केस दोस्तों मैंने 2-3 देखे हैं, एक बार तो मैं खुद बच गया था भाई। 2 दिन से प्लांट गया बंद था अपना, और यहाँ पे देखो स्टॉक ढेर लग गया यहाँ पे यार, इतना मटेरियल आया है 6 mm का, 20 mm का, 10 mm का। तो यहाँ पे देखो जो हमारा रास्ता था ना प्लांट का, ये वाला रास्ता तक कवर हो गया भाई, पूरा मटेरियल हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है एक्सेवेटर लगा के। अभी एक्सेवेटर लगाइए क्योंकि इमरजेंसी है, कल मैं देखो इसमें डोजर लगाऊंगा, देखो डोजर से कितना अच्छा रैम बनता है तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये हमारे गोगू बाजी हैं, ये लगे हैं एक्सेवेटर से लगा मटेरियल को शिफ्ट करते हुए। दोस्तों उस्ताद देखो पूरा गाड़ी खाली होने के बाद दोस्तों अभी इसके वाल ऊपर से टाइट कर रहे हैं, अभी है ना वाल ऊपर का दिख रहा है, स्टेयरिंग से घुमा रहे हैं ये, इसका वाल टाइट कर रहे हैं, और ये लगभग हो गया है खाली। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा पीछे से डाउन करके हल्का हल्का थोड़ा बहुत माल निकलता है दोस्तों यहाँ पीछे, तो ड्रम ड्रम जो रहते हैं उसमें आप भर सकते हो। यही किस्सा भाई, ये गाड़ी मुंबई रिफाइनरी से आती है, मुंबई से HPCL से आ रहा दोस्तों ये डामर।
देखिए दोस्तों, जब पूरी गाड़ी आपकी खाली हो जाती ना टैंक में, तो थोड़ा सा 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो के आसपास थोड़ा सा मटेरियल रह जाता है बिटुमेन का, तो गाड़ी इस टाइप से दोस्तों टेढ़ी लगाई जाती है। थोड़ा पीछे का हिस्सा थोड़ा डाउन कर दिया था, अभी देखो उस्ताद ऊपर से ना बाल खोल रहे हैं, और ये देखो थोड़ा बहुत जो डामर जो नीचे रह जाता पाइप में वही आ जाता है इस टाइप से। ये देखो भाई, इसके अंदर आ रहा डामर थोड़ा सा ही रहेगा मेरे हिसाब से, आधा ड्रम भरेगा, आधा ड्रम मतलब 100 किलो, 70 किलो, 80 किलो रह जाता है। देखो भाई इस टाइप से रहता है डामर। क्या ये नीचे तली का डामर है, थोड़ा ठंडा है इसलिए थोड़ा इस टाइप से निकल रहा है, और जो गरम गरम डामर तो तुरंत चढ़ जाता है ऊपर का हिस्सा। किसी भी चीज़ को आप गरम करोगे, गरम वाली चीज़ ऊपर रहेगी, नीचे ठंडा ठंडा रह जाएगा। जब दोस्तों ये रिफाइनरी से गाड़ी निकलती ना, तब इनका टेम्परेचर लगभग 160, 170, 180 के आसपास रहता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 100, 120 रह जाता है। जब खाली करते हैं तब अपने जो टैंक रहेगा टैंक के अंदर जब शिफ्ट हो जाता है, तब उसका टेम्परेचर वही 70, 80, 90, 80, 90 के आसपास रह जाता है। देखो दोस्तों, उस्ताद ने फिर से लगाई आग इसकी चिमनी में, और दोस्तों वाल फिर से गर्म कर रहे हैं। देखो क्या होता है, ये जो नीचे जो पाइपलाइन रहती है ना, इसकी जो वाल है ना, अब जो तले तले का माल है वो पूरा बैठ जाता है, ठंडा हो जाता है ना जल्दी, तो अब इसमें आग लगा देंगे इसके वॉल में, तो माल उतनी जल्दी जल्दी आने लगा चालू हो जाएगा। और ये अगर आग नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, लगभग 60, 70, 80 किलो, मैक्सिमम 100 किलो के आसपास निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा नहीं है। बाकी तो गाड़ी में से निकाल दिया, अब ये वाल में देखो आग लगा रहे हैं भाई। काफ़ी लोग है ना मेरे को है ना व्हाट्सएप पे, अपने यूट्यूब पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि इस टाइप से आग लगाएंगे तो गाड़ी में ही आग लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये इसकी स्पेशल चिमनी रहती है, चिमनी के अंदर आग लगती है, और नीचे वाल है पूरा लोहे का कवर रहता है, उसके अंदर जो सुपड़ी रहती है, ऐसा कुछ आग वाग लगने का सिस्टम नहीं रहता दोस्तों इसमें। इस गाड़ी में जो है बोलते हैं नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उनमें लकड़ी की वो फ्रेम रहती है, इसमें कुछ लकड़ी वकड़ी की फ्रेम नहीं रहती, पूरा लोहे का सेटअप है दोस्तों इसके अंदर, तो आग वाग लगने का दोस्तों ऐसा किस्सा विस्सा कुछ भी नहीं रहता दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों, उस्ताद तो कर रहे गाड़ी पूरी खाली, और अब मैं भी निकलता हूँ। आपको समझ में आ गया था गाड़ी कैसे खाली होती है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं गाड़ी खाली करने टाइम? बस उसके पाइप के पास मत खड़े रहिए, और दूसरी इसका जो पाइप है ना, जब भी लगा रहे हैं तो उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लो, और जब लास्ट लास्ट का जो मटेरियल रहता है, क्योंकि इसकी अभी जो खाली हो जाएगी ना, अब इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ जहाँ कांटा होता है उसके पास इसकी डिप होगी, तो डिप में दोस्तों 0-0 होना चाहिए। अगर डिप में मटेरियल निकला तो फिर उस्ताद जो है पूरा गर्म करके यहाँ झाड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना 1-1 kg का पैसा देते हो भाई, तो डामर बहुत महंगा होता है। अभी तो 42-43, अभी 39-48 ये रेट चल रहा है, लगभग 38 से 42 के आसपास रेट चल रहा है दोस्तों अभी इसका डामर का, तो 1-1 kg निकलवा लेती कंपनियाँ, ऐसे ही नहीं होती, तभी तो दोस्तों अभी ये पूरा झाड़ रहा है। क्योंकि अगर इनका 0-0 नहीं रहा ना, तो 100 किलो ज़्यादा रहेगा कांटे, तो शॉर्ट लिख देंगे तो इनके बिल से कट जाता है दोस्तों, इसलिए गाड़ी उनको पूरे खाली करनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली नई वीडियो में, धन्यवाद।